जनाब स्पीकर ये ऐसे लोग है उफ्ता दगा ने आप ऐसा करें ना मिनिस्टर साहब से मिले नहीं, अगर मैं मुतमयन नहीं हूं। देखो हमारे जो माइंस के लेबर है वो सबसे ज्यादा पिसे हुए लोग है। कल रात को भी आपका दुखी में बम वहां कान में जो है ना हादसा हुआ, पत्नी आखिरी खबरों के आने तक कितने वहां मजदूर खुदा न खास्ता जाम बहक या जख्मी हुए हैं। हर रोज ये वाकियात होते हैं। आपका जो माइंस मिनरल डिपार्टमेंट है या वर्कर वेलफेयर बोर्ड है वो कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको तफसील देता हूं जनाब स्पीकर, आप मुझे सुने, एक मिनट सुने ना, आप इस पे लंबा इतना वो जा रहे हैं। नहीं आपने उसमें बेहतरी लाना है तो मिनिस्टर साहब से मिले, कहीं पे कानून, मैं निशानदेही तो करूं ना। आपका डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहब होता है, उसके नीचे जनाब स्पीकर कमिश्नर होता है जो लेबर के एजुकेशन और उनके हेल्थ सहूलियात से मुतलिक वो काम करता है। वो फी टन जो टैक्स लेता है वो कम अज कम 132.50 पैसे टैक्स लेता है सालाना, कम उपेश 20 करोड़ रुपए वो जमा करते हैं कमिश्नर जो माइंस मिनरल है। उन्होंने क्या सहूलियत दी है? कोई सहूलत वहां माइंस मिनरल में मौजूद नहीं है माइंस में। दूसरा आपका डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, उसका काम होता है कि रॉयल्टी वो कलेक्ट करता है, माइंस की अलॉटमेंट करता है। वो फी टन 130 रुपए वो लेते हैं। उन्होंने क्या काम किया है माइंस लेबर के लिए? कुछ नहीं किया है। फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफ वर्कर्स होती है, वो भी फी टन 32.50 पैसा जो है ना वो टैक्स लेता है। ये करोड़ों रुपए सालाना जमा होता है, लेकिन आज तक जो मजदूर की ट्रेनिंग होती है आज तक 2 साल में एक बंदे की उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है। उन्होंने मुझे जवाब दिया, ये सारा जवाब जो है ना गलत बयानी पे मबनी है। जवाब तो उसमें है ना, कोई गलत कोई उन्होंने ठीक नहीं कहा है। इस बारे में मैं गुजारिश करता हूँ, आए रोज हादसात होते, आपने माइंस में कोई सेफ्टी का काम किया है? कोई वर्कर्स को आपने बताया कि आपने माइंस में इस तरह जाना है? नहीं। वजीर आला साहब, आप ये डिपार्टमेंट इतना पैसा आ रहा है, कम उपे सालाना 2 अरब रुपए जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ये माइंस मिनरल में, वो पैसा कभी इस बिचारों पे लगा है? आप 3 लाख रुपए देते हो, बंदा मर जाता है, वो भी 3 लाख रुपए पत्नी 1 साल के बाद उनको मिलता है। 6 लाख। मेरी दरखास्त ये होगी कि इस डिपार्टमेंट को लिया जाए, इसको ठीक किया जाए। जी शुक्रिया जी मिनिस्टर साहब।